नमस्ते एंड वेलकम अगेन। अ वंडरफुल वीडियो अभिजीत चावड़ा जी का इंटरव्यू इश्करण जी के साथ। तो आइए बिना समय गंवाए इसे देखते हैं। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था और लिंक डाला था, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसको भारत के इतिहास से, हिस्ट्री बुक से या तो दबाया गया या उसको मिसरिप्रेजेंट करके पेश किया गया, क्योंकि एक नैरेटिव चलाना था जिसपे वामपंथियों का बहुत देर तक कब्जा रहा। ये सोशल मीडिया का भला हो कि अब हम उस नैरेटिव्स को तोड़ पा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और इसके अंदर आज हम पांच टॉपिक्स की बात करेंगे भारत के इतिहास की ग्लोरी की, मां भारता से लेके 1946 की जो नेवल म्यूटिनी ही उस तक लेके सारी बातें करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ अभिजीत हैं, हु इज लाइक अ रेनेसेंस मैन। इतने सारे सब्जेक्ट्स पे वो बोल रहे हैं और इतनी अमेजिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ बोल रहे हैं, बी इट एज अ फिजिसिस्ट, बी इट एज अ हिस्टोरियन, बी इट एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। तो बहुत अलग अलग फील्ड्स कवर कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज ला रहे हैं, तभी मैंने कहा ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेनेसेंस मैन। और ये चीजें जब वर्ल्ड में आपको नॉलेज स्प्रेड हो रही है और भारत के बारे में जाननी बहुत जरूरी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट हिम हियर। और आप सब जो पहली बारी जुड़ रहे हैं यूट्यूब से या फेसबुक से, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा कि हम अपने बारे में सही चीजें जान पाए। सो अभिजीत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभिजीत, हमने जैसे आप डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत मिस रिप्रेजेंट किए हैं या हाइड किए गए हैं, और ऐसा दिखाया, एक टॉपिक वो है जो दिखाने के लिए, कास्टिज्म दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कैसे सप्रेशन हो रहा था, वो है जिससे मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगे, कि गुरु द्रोणाचार्य ने करण या एकलव्य के साथ, जो हमने सबने पढ़ा है कि बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था, तो आप जरा इस पे अपने व्यूज और जो आपको लगता है किस तरह ये प्रेजेंट किया गया और गलत तरह प्रेजेंट किया गया, इसकी बात से आप शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, तो ये स्टोरी हम सबको पता है, आई थिंक बहुत सारे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे उस समय के, और कर्ण उनका उनके पास नॉलेज लेने के लिए आए थे और द्रोणाचार्य ने कुछ नॉलेज उनको दिया नहीं, उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन किया। और दूसरी बात है कि एकलव्य एक और पोटेंशियल शिष्य थे उनके, जिनको द्रोणाचार्य ने नॉलेज नहीं दिया और फिर उनका एक वो थंब ले लिया उन्होंने एज गुरु दक्षिणा, बिकॉज एकलव्य ने चुपके से वो नॉलेज लिया उनसे और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उसका थंग ले लिया, अंगूठा ले लिया। तो इसका एक्चुअल ट्रूथ क्या है? तो क्या होता है कि कर्ण जो है उसके तीन गुरु थे, तीन गुरुओं से कर्ण ने नॉलेज लिया, मार्शल आर्ट, शस्त्र विद्या एक्सेट्रा। एक तो द्रोणाचार्य थे, दूसरे कृपाचार्य थे और तीसरे परशुराम थे। ठीक है, तो इन सब से कर्ण ने नॉलेज लिया। अभी हर स्टूडेंट सेम नहीं होता है, कुछ का एबिलिटी ज्यादा होता है, कुछ का एबिलिटी कम होता है। अभी कर्ण का एक काफी सारे कैरेक्टर फ्लॉज थे, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो बहुत फाउल माउथ था, उसका सेल्फ कंट्रोल कम था, ये सब हमें टीवी सीरियल्स में दिखाते नहीं है, राइट? और उसका वो एबिलिटी नहीं था कि हाईएस्ट ट्रेनिंग वो ले सके, जैसे कि ब्रह्मास्त्र है, राइट? तो इसके लिए द्रोणाचार्य ने मना किया कि मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं दूंगा। और द्रोणाचार्य ने ये अपने स्वयं के पुत्र, उनका जो खुद का बेटा था, उसको भी नहीं दिया ये, राइट? अश्वत्थामा, उनका बेटा अश्वत्थामा था, उसको भी उन्होंने ये विद्या नहीं दी, तो कहां से डिस्क्रिमिनेशन हो गया? दूसरी बात, एकलव्य की बात करते हैं फॉर इंस्टेंस। अभी एकलव्य था, अभी एकलव्य को हमें पॉपुलर डिस्क्रिप्शन में कैसे दिखाया जाता है, उसने ट्राइबल ड्रेस पहना है, उसके सर में वो फेदर्स है, वो गांव वाले, आई मीन वो ट्राइबल वाले स्टाइल में, बट वो ट्राइबल था ही नहीं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो क्षत्रिय था, ही वॉज अ वॉरियर। उनके जो पिताजी थे वो जरासंध की सेना में एक बहुत बड़े वॉरियर थे। तो उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के थे और ये एकलव्य
ये जरासंध के कैंप का था, ये दोनों एनिमी किंगडम्स थे। अब अगर पाकिस्तानी आईएसआई का एक आदमी आता है, लड़का इंडिया में, बोलता है कि मुझे आईएमए में ट्रेनिंग लेनी है, तो क्या हम उसे ट्रेनिंग देंगे? हम नहीं देंगे, बिकॉज ये हमारा एनिमी है। उस समय हस्तिनापुर और जरासंध का जो किंगडम था उसमें एनिमिटी थी, और ये यहाँ पर आ गया द्रोणाचार्य के बस के, मुझे विद्या दीजिए, द्रोणाचार्य ने मना किया, और ये अब ये इसने छुपके से विद्या ले ली, छुप छुप के देख के। इट्स कॉल्ड हैकिंग, आजकल उसको हैकिंग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तो उसने ये काम किया, और फिर उसने द्रोणाचार्य जी को बोला कि भाई ऐसा ऐसा मैंने किया है, तो द्रोणाचार्य ने फॉर द सेक ऑफ हिज नेशनल इंटरेस्ट उनका अंगूठा मांग लिया। अब इसमें कौन सा क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कौन सा कास्टिज्म हुआ, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और दूसरी बात है कि हर किसी को आप एडमिशन थोड़ी देंगे आपके विद्यालय में। फॉर इंस्टेंस, द्रोणाचार्य रॉयल गुरु थे, ही वॉज द गुरु ऑफ द रॉयल प्रिंसेस ऑफ द कुरु डायनेस्टी, राइट? ये रॉयल गुरु थे। अभी आज आप अगर हार्वर्ड में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एडमिशन दे दो, देंगे आपको? नहीं भाई, यू हैव टू फुलफिल सम क्राइटेरिया। अगर आप आईआईटी में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, और अगर आईआईटी आपको नहीं देगी बिकॉज आपका वो मार्क्स नहीं है, वो सब नहीं है, तो क्या आप इसको कास्टिज्म बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे? नहीं, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स, राइट? तो ये सिंपल लॉजिक है, देयर वाज नो कास्टिज्म, इट इज सिंपल लॉजिक कि भाई दे डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। द्रोणाचार्य का खुद के पुत्र अश्वत्थामा को उन्होंने वही विद्या नहीं दी जो उन्होंने कर्ण को नहीं दी, लेकिन कर्ण को काफी सारी अलग ट्रेनिंग दी उन्होंने, और फिर कर्ण ने कृपाचार्य से भी काफी सारी ट्रेनिंग ली, और फिर परशुराम जी से, और परशुराम जी को उन्होंने कहा कि वो मैं कुछ तो उसने मिसरिप्रेजेंट किया अपना आइडेंटिटी। तो ऐसा आदमी था कर्ण। आजकल सीरियल्स में दिखाते कि कर्ण वॉज बेटर देन अर्जुन, उसको हमने मिसरिप्रेजेंट किया है हिस्ट्री में, हम कास्टिस्ट थे, हम डिस्क्रिमिनेटिव थे, ऐसा कुछ नहीं है। This is all nonsense. और एक और बात है, ये श्री कृष्ण का जमाना था, राइट? श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट, यस, आई थिंक नोबडी कैन डिनाई दिस। अब श्री कृष्ण जी के टाइम पर ऐसा कास्टिज्म हो रहा था, वो चलाने देंगे क्या? अ मैन एज ग्रेट एज श्री कृष्ण, कभी कास्टिज्म होने देंगे, डिस्क्रिमिनेशन होने देंगे? नहीं होने देंगे। So this doesn't make any sense. और बहुत सारे लोग जो actually anti हिंदू नहीं है, वो भी मानते हैं कि हमारे धर्म में और हमारे इतिहास में ये सब problems थे। नहीं थे भाई, नहीं थे, आपको सब misrepresent किया गया है। आप किसी भी illustration को देखिए जिसमें एक लड़के को दिखाया है, उसमें उसको ट्राइबल ड्रेस पहना जाता है, उसके सर में वो पंख डालते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं था, he was a regular क्षत्रिय like everybody else, he was a warrior. तो ये सब लेफ्टिस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन है, और ये सब अभी टीवी सीरियल्स में भी आने लगा है, और टीवी सीरियल्स इज नॉट द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। आई वांट टू टेल ईश्वरन जी, आपके व्यूअर्स को, कि आपने अगर एक टीवी सीरियल देखा है तो आप इसके एक्सपर्ट नहीं बन गए भाई। टीवी सीरियल में दे नीड कंट्रोवर्सी, दे नीड मसाला, तभी उनके टीआरपीस बढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई दे ट्राई टू से कि आज तक हमें जो सिखाया गया वो सब गलत थे, एक्चुअली कर्ण बहुत महान था। अरे भाई, वो महान नहीं था, ही वॉज नॉट अ ग्रेट मैन। तो ये बात है, so that is what I can say in short about us. इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा टेलीविजन सेल करता है टीआरपी पे, अगर आप उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे तभी सेल करेगा। अगर आप दिखाएंगे सारे ही क्षत्रियास थे या सारे ही वेपन ट्रेनिंग ले रहे थे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसमें। इट विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ कि भाई रॉयल्टी आज डेमोक्रेसी में हमें बहुत अजीब लगती है, बट रॉयल्टी वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज प्राइम मिनिस्टरशिप इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कल शायद 200-500-800 साल बाद हमें ये बहुत जल्दी फॉर्म ऑफ वो लगे, हर बात पे शायद हम डायरेक्ट वोटिंग कर पाए, हर इशू पे डायरेक्ट वोटिंग कर पाए। आई डोंट नो 1000 साल बाद 5000 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी। सो वहां पे रॉयल्टी वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आज हर अच्छे देश को हम डेमोक्रेटिक मानते हैं, वैसे उस समय हर अच्छे देश में या हर अच्छे प्रदेश में और अगर कोई रॉयल गुरुज हैं तो वो हर अलग अलग सीमाओं में रॉयल गुरुज थे। कई उसमें से बहुत बड़े किंगडम्स थे, कई छोटे किंगडम्स थे, कई बहुत बड़े गुरुज थे, कई उससे कम बड़े गुरुज थे। तो ये एक रियलिटी है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह दिखाया जाता है ये इसलिए दिखाया जाता है टू शो। और दूसरी बात, मेरा एक और मानना है कि आज इतने हजारों साल बाद आप किसी की भी कास्ट कैसे डिटर्मिन कर सकते। इन दैट सेंस इट इज, मैं बीच में इस इशू में पढ़ूंगा नहीं, बीच में अभी एक बहुत इशू शुरू हो गया किसी महाराजा को लेके कि वो कौन सी जाति के हैं।
काफी उसमें विवाद शुरू हुआ। तो मेरा ये मानना है ये सारे जो महान लोग थे वो पूरे भारत के, और उनकी कास्ट आइडेंटिफाई कर पाना उनका ही इंटरेस्ट हो गया, कास्ट जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और ये नहीं मानना चाहते कि महान लोग थे, ऐतिहासिक लोग थे। अब और विद प्रिसिजन किसी भी कास्ट का आइडेंटिफाई कर पाना मेरे हिसाब से है भी बहुत मुश्किल। आप जैसे सोर्सेज पढ़ते हैं तो आप एक कर सकते हैं कि हाँ ये सोर्सेज ये कहते थे, पर अगर आज की न्यूज ने, मेरा इसमें एक मानना है कि आज अलग अलग अखबार कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन देते हैं। आज अलग अलग एक टीवी चैनल देखेंगे आपको एक मुद्दे पे लगेगा अरे ये राष्ट्रवाद है ये है, एक और देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो डिक्टेटर है ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, हमेशा मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज रहे हैं। अब 10,000 साल बाद वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं इस तरह से। सो जी बिल्कुल बिल्कुल यस। तो बहुत अच्छा जो आपने इसको क्लैरिफाई किया कि क्या सिस्टम था और क्यों होता। सेकेंड टॉपिक आप किस पे बात करना चाहेंगे? अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप बताइए, यू चूज द टॉपिक। आप इंडियन नेवी या इससे पहले हम करते हैं जो एक बहुत स्प्रेड किया गया कि अंग्रेज थे तो कम से कम रेलवे लाइंस बना गए, नहीं तो भारत में तो रेलवे भी नहीं आती, अंग्रेजों की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी वो रोड बना गए, नहीं तो हम लोग तो रोड भी नहीं बना पाते। बेसिकली कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वॉज गुड फॉर इंडिया, ये बहुत किया गया क्योंकि हम जैसे बोलते हैं उन्होंने जिनको दिया सत्ता संभाली वो एक कॉन्टिन्यूटी थी इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? जी ये बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है इवन अमंग वेरी एजुकेटेड पीपल कि भाई ब्रिटिश नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता आज, ब्रिटिश ने हमें ये सब दिया, इन्होंने मुझे हमें टेक्नोलॉजी दी, हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, जुडिशरी दिया, अरे अंग्रेजी भाषा दी, विदाउट इंग्लिश देर इज नो साइंस, देर इज नो प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश, ये सब हम मानते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड लोग ये सब बात मानते हैं, राइट। और एक और बात बोलते हैं लोग कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भी हम तुर्कों के नीचे होते, तुर्क हम पर आज भी राज करते होते। तो पहली बात तो ये है कि 1750s 1760s में तुर्की राज नहीं था भारत पर, मराठा राज था, मराठा एम्पायर बहुत बड़ा था उस समय, उन्होंने एक्चुअली हिंदवी स्वराज्य एक्चुअली स्थापित किया था, उनका जो टेरिटरी था वो सदर्न अफगानिस्तान तक था, इतना बड़ा उन्होंने टेरिटरी कॉन्कर किया था। और ब्रिटिश ने तुर्कों को नहीं हराया, उन्होंने मराठास को हराया, उन्होंने ये दो एक दो मराठा एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे उसमें उन्होंने मराठा एम्पायर को ब्रेकअप कर दिया और फिर उन्होंने अपना राज स्थापित किया भारत में। सो दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द टर्किक ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, दे डिस्ट्रॉयड द हिंदवी स्वराज्य ऑफ द मराठा एम्पायर, उन्होंने ये काम किया है। तो पहली बात तो ये है उन्होंने हमें किसी से बचा नहीं, उन्होंने हमें इंस्लेव किया है, पहली बात ये। दूसरी बात कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रोड्स बनाए, रेलवे लाइंस बनाई, ये सब। अरे भाई उनके पहले कोई रोड नहीं थे क्या भारत में? उनके आने से पहले कोई रूम नहीं थे क्या? कुछ भी। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक बहुत बड़ा हाईवे था और भी आगे जाता था वो, ये कितने 2,500 किलोमीटर तो कम से कम होगा, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड हाईवे था, और ये एक ही बात कर रहा हूं मैं, ऐसे पूरे नेटवर्क्स थे रोड्स के पूरे थ्रू आउट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया। आज जैसे आज हम एक इंटीग्रेटेड नेशन है, उस समय भी हम एक इंटीग्रेटेड सब कॉन्टिनेंट और एक एम्पायर थे, लेकिन ये सब आज हमें हिस्टोरियंस बताएंगे नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बात है। और रेलवेज, ठीक है भाई वो रेलवे यहाँ लाए, उसके पहले रेलवेज नहीं थे, उन्होंने रेलवे लाइंस किसके पैसे से बनाए? वो क्या इंग्लैंड से पैसा लेके आए हमारे लिए सब बनाने के लिए? नहीं, उन्होंने हमारे पैसों से रेलवे लाइंस बनाए, उन्होंने हमारे लेबर से रेलवे लाइंस बनाए, और उन्होंने किस पर्पज के लिए रेलवे लाइंस बनाए? This is the infrastructure of occupation and extraction. वो सारे रेलवे लाइन्स पोर्ट सिटीज लगते थे और पोर्ट सिटीज से इंडिया का सारा ट्रेजर सारा माल इंग्लैंड जाता था। इस काम के लिए ही उन्होंने ये सब रेलवे लाइन्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स हमें दिए, क्या बात है भाई, बिल्डिंग विक्टोरिया टर्मिनस, क्या आजकल उसको CST बोलते हैं और कुछ और क्या क्या नहीं है, कलकत्ता में वो विक्टोरिया मेमोरियल है, कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हमें दिए। अरे भाई हम इनसे अच्छे बिल्डिंग बनाते थे और ये सारे बिल्डिंग्स उन्होंने हमारे पैसे से बनाए हैं और खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, राइट। और एक और बात है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत सारे फिलेंट्रोपिक काम किए। अगर आप देखेंगे इंडिया का GDP बिफोर द ब्रिटिश राज तो इट वाज 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड GDP, इतना प्रॉस्परस था भारत। वो लोग गए ने
1947 में ऑफिशियली वो गए, तब इंडिया का जीडीपी लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था। वो पैसा कहाँ गया भाई, कहाँ गया, वहां गया। और करेस्पॉन्डिंगली उनका जीडीपी राइज होता है, आप देखेंगे अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो। ये सारा काम जो यहाँ पर था उनका, वो सिर्फ चोरी का काम था, लूटपाट का और मर्डर, मास मर्डर। उन्होंने कम से कम 100 मिलियन इंडियंस की हत्या की है थ्रू आर्टिफिशियल फैमिन्स, साल भर साल भर साल आर्टिफिशियल फैमिन्स, मिलियंस ऑफ पीपल डाइंग एवरी ईयर। लास्ट वॉज बंगाल फैमिन अंडर विंस्टन चर्चिल। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ये दिखता नहीं है, अंधे है, उनकी उनका दिमाग नहीं चलता है। और ये इंग्लिश भाषा की हम बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेस, इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। भाई जापान में कौन सी भाषा बोलते हैं? जापान इज द मोस्ट साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी ऑन द प्लैनेट। वहां पर कौन सी भाषा का उपयोग होता है? जर्मनी। चाइना में कौन सी भाषा का उपयोग होता है? जर्मनी में कौन सी भाषा? फ्रांस में कौन सी भाषा? फ्रांस राफाल एयरक्राफ्ट बनाता है, उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने अच्छे हैं। जर्मनी इज द इंडस्ट्रियल पावर हाउस, द हार्ट ऑफ यूरोप। वहां पर कोई इंग्लिश एडवांटेज नहीं है। रशिया में कौन सी भाषा बात करते हैं? उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। ये सब हमें हमारे दिमाग में बिठाया गया है और हम ये ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। हमारे इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोग, पीएचडीज वाले लोग ये बिलीव करते हैं। इट इज शेमफुल। सो आई थिंक दिस clearly shows के भाई British colonization was not good for India. It destroyed India. आज India में जितने भी problems हैं, वो वहाँ से आए हैं। जैसे आपने एक मैं इसमें और बात जोड़ूंगा जो indirectly famine किया, या जलियांवाला बाग जैसे देख लीजिए, क्या कोई भी अपने देश के नागरिकों पे ऐसे काम कर सकता है? भारत में कर ही नहीं सकता। और उस समय तक ब्रिटेन क्या लंदन में ऐसा कुछ कर सकती थी? जितने उस समय लेबर राइट्स, लेबर स्ट्राइक्स इतनी मैसिव होती थी, वो जमाना था जब कम्युनिज्म अपना हेड रेयर कर रहा था, और क्या कभी वहां पे ऐसे लोगों को बेसिकली भून दिया जा सकता? ये संभव है? ये संभव ही नहीं था उस समय वर्ल्ड में जो ये डायरेक्टली भी कर रहे थे। पर मैं इसमें आपसे एक बात पे थोड़ा चाहूंगा, क्योंकि आपने टच किया कि इंटीग्रेटेड था भारत, क्योंकि ये एक मिथ्या बहुत फैलाई गई है कि भैया इंडिया इंडिया ही नहीं था, भारत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये तो अंग्रेजों का भला हुआ जो उन्होंने भारत को एक देश का रूप दिया। तो जो आपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की या और भी बातें की, उस पे जो इंटीग्रेटेड था भारत, और वो दिखता भी है हमारे होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस किस तरह अलाइन किए गए हैं उसमें भी दिखता है, हमारे तीर्थ स्थान है उसमें भी दिखता है। पर आई वुड वॉन्ट यू टू स्पीक ऑन दिस कि भारत हमेशा एक इंटीग्रेटेड राष्ट्र। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप जेनेटिक्स देखेंगे, जेनेटिक्स इज अ हार्ड साइंस, उसमें कोई अप एंड डाउन या कोई ओपिनियन वाली बात नहीं है, जेनेटिक्स इज जस्ट अ हार्ड साइंस। अगर आप भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जेनेटिक्स देखेंगे तो यू विल फाइंड के इंडिया हैज द हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ अफ्रीका, एंड येट द इंडियन पॉपुलेशन इज जेनेटिकली वेरी यूनिफॉर्म। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको सेम ही जेनेटिक्स मिलेंगे। ओके, साउथ इंडिया वाले कुछ लोग थोड़े डार्कर स्किन वाले होते हैं क्योंकि उनका क्लाइमेट ऐसा है, वो हजारों साल से वहां पर जी रहे हैं तो उनका क्लाइमेट ऐसा है, इसके लिए उनकी स्किन डार्क है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे तो फेयर स्किन मिलती है पश्तूनों में, कश्मीरियों में, एक्सेट्रा, पंजाबीज में, एंड सो ऑन। तो अलग अलग अपीयरेंस सुपरफिशियल लेवल पे आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप जेनेटिक टेस्ट करेंगे तो आपको सबके जेनेटिक्स सेम ही दिखते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जेनेटिकली बिटवीन अ पर्सन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। मुथैया मुरलीधरन इमरान खान का जेनेटिक्स एक ही है, आप मानेंगे नहीं लेकिन एक ही है। तो ये बात है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर आप लिपि की बात करेंगे, जो स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग है, ब्राह्मी लिपि एक बहुत फेमस हमारी पुरानी स्क्रिप्ट है जिसमें हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं, तो ब्राह्मी लिपि अबाउट 2,500 ईयर्स पहले प्रचलित थी, राइट? तो ये ब्राह्मी लिपि हमें नॉर्थ इंडिया में मिलती है हर जगह, और साउथ इंडिया तमिलनाडु में भी मिलती है, लेकिन आजकल ये जो हिस्टोरियंस है उसको वो तमिल ब्राह्मी बना के बेच रहे हैं। दे आर सेइंग इट इज तमिल ब्राह्मी, कुछ थोड़ा सा अलग है इसके लिए, वो तमिल ब्राह्मी है। अरे क्या तमिल ब्राह्मी बेर, ब्राह्मी इज ब्राह्मी, दैट्स इट। सो ब्राह्मी लैंग्वेज इज फाउंड ऑल अक्रॉस इंडिया। तो इट डेमोंस्ट्रेट्स के कोई एक ही स्क्रिप्ट थी पूरे भारतवर्ष में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और इसे बहुत सारे एविडेंस, जेनेटिक एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जैसे आपने कहा कि जो तीर्थ स्थल है भाई, एक ही देवी, एक ही देवता की पूजा होती है हर जगह, अलग अलग फॉर्म्स में, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लोकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ वेरी प्लेस ऑफ इनक्रेडिबल
प्लूरालिटी ऑन अ लोकल लेवल बट यूनिफॉर्मिटी ऑन अ सिविलाइजेशनल लेवल. तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस को ढूंढ के ये लोग निकालते हैं और बोलते हैं कि भाई सब अलग अलग है, राइट. जैसे कि आर्यन द्रविडियन भाषा अलग अलग है. कौन सी अलग है भाई, 40-50% तो सब वर्ड्स कॉमन है इसमें. तो ये सब मिथ्स है जो इन हिस्टोरियंस ने और अलग और मीडिया ने बनाई है, बट दीज हैव नो बेसिस इन एक्चुअल फैक्ट्स एंड एक्चुअल डेटा. बिल्कुल. और ये जैसे मैंने कहा कंट्रोवर्सी में डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज तो खुल के बोलते थे और आज भी जो करना चाहते हैं वो खुल के नहीं बोलते, पर पॉलिसी वो डिवाइड एंड रूल वाली ही चल रही है इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए. क्योंकि अगर यूनाइटेड हो जाओगे तो फिर तो ये राष्ट्र के मुद्दे रहेंगे, बट आप डिवाइड करते रहेंगे तो आप नैरो सेगमेंट्स में डिवाइड करके ये नैरो सेगमेंट को यहां से तोड़ दिया, ये नैरो सेगमेंट को वहां से तोड़ दिया, और इलेक्टोरल बेनिफिट ले सकते हैं जो अंग्रेजों ने किया डिवाइड.